गुरुवार को ग्राम पंचायत इसासनी में मासिक सभा का आयोजन किया गया था, किंतु मासिक सभा के प्रारंभ होने से पहले ही इसासनी गांव के रहवासियों ने ग्राम पंचायत के परिसर में घरकुल रमाई योजना के विषय को लेकर किया बवाल खड़ा। रमाई और शबरी घरकुल योजना में लाभार्थियों की जांच पड़ताल के विषय में ग्रामवासियों ने विरोध जताया। इस संबंध में क्षेत्र के विधायक समीर मेघी ने लाभार्थियों की सिफारिश जिलाधिकारी को की है। ग्राम सभा में लिए गए विषय क्रमांक 12 रमाई व शबरी घरकुल योजना का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए विधायक समीर मेघी ने कुछ लाभार्थियों की सिफारिश की, किंतु चयनित लाभार्थियों को जानबूझकर राजनीति के चलते लिस्ट से हटा दिया गया। इसकी जांच की जाए, इसी ग्राम वासियों का कहना है। इसी विषय के विरोध में ग्राम वासियों में आक्रोश उमड़ पड़ा है। इसके कारण मासिक सभा भी तहकूब करनी पड़ी। वहां उपस्थित भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि समीर मेघी ने दिए सिफारिश पत्र का अपमान ग्राम पंचायत के विद्यमान पदाधिकारी कर रहे हैं। सरपंच ने कहा कि जो विषय लगा है उस विषय के बारे में मुझे मोबाइल पर संदेश मिला। इस संदेश में कुछ लाभार्थी पक्के घरों में रहते हैं, इसकी जांच करने हेतु विषय क्रमांक 12 को शामिल किया जाए। तो जो विषय आहे त्या विषयाला घेऊन काही लोकांचा ऑब्जेक्शन आहे की माननीय आमदार साहेबांचं नाव त्या ठिकाणी किंवा माननीय आमदार साहेबांचा उल्लेख का केला। ॲक्च्युली सभेची नोटीस काढण्याची जबाबदारी माझी आहे आणि सभा काढताना त्याचे विषय आणि काय त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे हे सर्व सन्मान्य सरपंच आणि सदस्य सुचवतात। संबंधित सदस्यांनीच तो विषय तिथे टाकायला लावलेला होता आणि त्यानंतर मग त्या गोष्टीमुळे काही लोकांच्या भावना दुखावल्या। ॲक्च्युली घरकुल मंजूर करणे हा विषय ग्रामपंचायतकडे नाहीच आणि जेव्हा आम्हाला शासनाकडनं यादी येते किंवा नावं मंजूर येऊन होऊन आमच्याकडे येतात त्यावेळेला आम्ही त्यांना त्याचा लाभ तुम्हाला भेटणार आहे असं कळवतो आणि लाभार्थ्यांनी स्वतः जाऊन नंतर आपले करारनामे वगैरे करावयाचे असतात। असा माननीय आमदार साहेबांच्या प्रतिमेला कुठलाही त्रास देण्याचा माझा तरी काही हेतू नाही आहे, कारण काय आम्ही सरकारी काम करणारे माणसं आहोत, फक्त सल्लागार म्हणून आम्ही काम करतो। बाकी सन्मान्य सरपंच साहेब आणि सन्मान्य मेंबर साहेब यांच्या मतानुसार तुमचे तुम्ही टाकण्यात आला, यामध्ये माझा कुठल्याही प्रकारचा दोष नाही आणि सदर विषय सभेत पुढील सभेत वगळण्यात येईल याची मी तुम्हाला ग्वाही देते। कारण म्हणजे असं आहे की तो व्हॉट्सअपवर आलेला होता, तो आम्ही बघितला तिथं बरेचशा लोकांचे ज्याची बिल्डिंग आहे का आहे अशा लोकांचे नाव आढळले आहे म्हणाले। तो आम्ही जेव्हा मीटिंग आपला विषय टाकत होतो तेव्हा आमचे मेंबर म्हणले की नाही, ह्या अजेंड्यावर विषय घ्या, याची मौका चौकशी करून मेंबर संबंधित म्हणजे चौकशी करून हे करावं, त्याच्यासाठी हा घेतला होता। आपला उद्देश काय होता याच्या मतला? उद्देश काय नाही, कोणाला असं म्हणजे उद्देश कुठलाही नाही। उद्देश म्हणजे असं की जे लाभार्थी जे यादी आहे त्या यादीमध्ये काही बोगस लाभार्थी वगैरे असं काही त्यांचं होतं का, असं तुम्हाला काही आढळलं का, त्याकरिता तुम्ही चौकशीचं हे एक विषय घेतलेला आहे असं आहे का? हा हा अशा मधूनच आहे का, काही बा आम्हाला जे गरजू लोक आहेत असं वाटलं आहे का, त्याच्यामध्ये गरजू लोकांचं नाही तर बरेचसे चांगल्या लोकांचे मकान आहे बा, त्याच्यासाठी ते केलं। माझ्या याच्यावर काय आपलं काय होणार आहे नाही, आम्ही चौकशी करू नाही याच्या हा विषय म्हणजे आम्ही हेच करू की जे घर आहे आम्ही त्यांची जालपडदार चौकशी करू, कोणाला खरंच तो गरजू आहे की नाही आहे असे आम्ही त्याची नोंद घेऊ आणि ते पंचायत समितीला करू। आज हिंगना तालुके के इसासनी ग्राम पंचायत में आज मासिक सभा थी। सन्मान्य ग्राम पंचायत की सचिव मैडम और सरपंच इन्होंने अपने समन्वय से एक पत्र निकाला मासिक सभा का, और उस पत्र में गांव के विकास के लिए और आगे की रणनीति के लिए बहुत सारे विषय थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के ग्राम पंचायत सदस्य हैं इनको एक आक्षेप था कि उसमें एक पॉइंट ऐसा था कि रमाई 12वें नंबर का पॉइंट है, मैं दिखाना चाहूँगा। रमाई व शबरी घरकुल अंतर्गत माननीय आमदार महोदय यांच्या शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांची चौकशी करणे, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो आमदार साहब ने नाम सुझाए उनको उनकी चौकशी करना,
और जिनके नाम आमदार साहब ने सिफारिश किए हुए उनको, उन लाभार्थियों को डराना और उनके घर कैंसिल करना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजकीय दबाव के अंतर्गत कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बड़े नेताओं के दबाव के कारण माननीय सचिव और सरपंच ईशासनी ग्राम पंचायत में ऐसा कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इनको ये बात याद रखना चाहिए, सभी सम्माननीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना के पदाधिकारियों को, कि हिंगना विधानसभा के लोक प्रतिनिधि यानी यहाँ के विकास पुरुष सम्माननीय आमदार समीर जी मेघे साहब है और एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा की सभी ग्राम पंचायत में उनको सिफारिश करने का अधिकार है और गरीबों को न्याय दिलाने का काम माननीय समीर भाव के माध्यम से पिछले 6 सालों से होते आ रहा है और आगे भी होते रहेगा। यदि आमदार समीर मेघे इनके विकास के कार्यों में यदि कोई अड़थड़ा डालने का प्रयत्न करता है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उग्र आंदोलन ईशासनी ग्राम पंचायत के सामने किया जाएगा, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। समीर मेघे साहब, हम सर्वांचे जनसामान्य लोकांचे सर्वांचे आमचे आमदार आहेत आणि यांना केलेल्या कोणत्याही कामाला आणि गोरगरिबाच्या हक्काला कोणी छिनून काढत असेल तर त्याचा आम्ही तीव्र आंदोलन करू आणि तो तसा अन्याय होऊ देणार नाही याची मी ग्वाही देतो। इसमें बाकी कुछ सदस्यों की भी सहमति से विषय लिया गया है। ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि विधायक समीर मेघे ने दी हुई लाभार्थियों की सूची का चयन करना या ना करना इसका पूरा अधिकार सरपंच और सदस्यगण का है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मेरा विधायक समीर मेघे का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, मेरा काम सभा में आए हुए विषय को रखने का है। NBC न्यूज के लिए हिंगना से आशीष गोंडाने की रिपोर्ट।